देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। तस्वीरें हैं लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व की, जहां जंगल से गुजरती सड़क पर ये टाइगर टूरिस्ट की जीप के सामने आ गया और करीब 15 मिनट तक चहलकदमी करता रहा। बाघ के करीब से दीदार कर टूरिस्ट बेहद रोमांचित थे। हालांकि वन विभाग की सलाह है कि जब भी जंगल में बाघ या दूसरे जानवर का दीदार हो, सावधानी बरती जाए और जानवरों के अधिकारों का सम्मान किया जाए। किशनपुर सेंचुरी में एक टाइगर, कल कुछ टूरिस्ट आए थे, उनकी गाड़ी के आगे आगे बहुत देर चला है, वीडियो बना है, किस तरह से दिख रहे हैं आजकल टाइगर? नहीं, अच्छी साइटिंग हो रही है। जैसे अभी शुरुआत हुई है, 15 तारीख से हमारा सत्र शुरू हुआ, तो जो पर्यटक हैं वो कई पर्यटकों को बाघ देखने को मिला है। और किशनपुर में वैसे भी बेहतर साइटिंग होती रही है, अपेक्षाकृत जो हमारे जो 3 क्षेत्र हैं उसमें सबसे बेहतर जो है साइटिंग का स्कोप किशनपुर के अंदर रहता है। तो मैं जो पर्यटक हैं उनसे बस ये निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो भी नियम कानून हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उसका भरपूर पालन करें। और जैसे जानवर देखते हैं तो मतलब जो है उसकी जो उसका सौंदर्य है उसको निरीखें, लेकिन साथ में उनको परेशान न करें। जो मतलब एक मानक बना हुआ है जिसके बारे में उनको जानकारी दी जाती है सारे पर्यटकों को, तो उस कोशिश करें कि पालन करें। जो जंगल का जो टूरिज़्म है वो और जगह के टूरिज़्म से हटके होता है, तो पर्यटकों से अपेक्षा है हमारी कि वो पूरा सहयोग करेंगे इसमें। इस महीने की 15 तारीख को ही दुधवा टाइगर रिजर्व को इस सीजन पर्यटकों के लिए खोला गया है और अब जंगल का बादशाह बाघ खुद इस अंदाज में सैलानियों का स्वागत कर रहा है।